मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी. आई एम डिलाइटेड टू वेलकम डॉक्टर रमन बत्रा सर, वेरी डायनामिक एंड विजनरी पर्सनैलिटी, एंड ही इट इज हिज इनिशिएटिव टू लॉन्च दिस न्यू लोगो विच विल डिफाइन द न्यू विजन ऑफ NIT. आई एम हैप्पी टू वेलकम डायरेक्टर जनरल श्री प्रवीण सोनेजा सर, ऑल द डायरेक्टर, डीन्स, गेस्ट फ्रॉम मीडिया, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट. इट इज विद ग्रेट प्लेजर एंड मोमेंटस एक्साइटमेंट दैट आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस मोमेंटस ऑकेजन दैट इज द लॉन्च ऑफ योर एस्टीम इंस्टीट्यूट. NIT इज ऑलवेज कमिटेड फॉर एकेडमिक एक्सलेंस, वेरी गुड प्लेसमेंट, वर्किंग ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, एंड दिस न्यू लोगो रिप्रेजेंट्स द विजन ऑफ NIT मैनेजमेंट एंड एंटायर लीडरशिप हु हैज बीन ऑलवेज सहूलियत. ये संत की खड़ाऊ हैं, शाहों के तख्त हैं, बढ़ने के साथ ही तुम्हें दी है सहूलियत. ये संत की खड़ाऊ हैं, ये शाहों के तख्त हैं, फितरत में जिनके हैं नहीं फिरका परस्तियां, कुदरत को जिन पे नाज है ये वो दरख्त हैं. आज प्रेजेंट के रमन बत्रा को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से पिछले 6 महीने इसके ऊपर बहुत काम किया, मेरे से डिस्कस किया और इन्होंने आज इसे लाकर खड़ा किया. ये इनकी सोच है, इनकी अंतरात्मा की आवाज है. ये ऐसे नहीं है, अंतरात्मा की आवाज है जो इन्होंने आज लोगों ने प्रेजेंट किया है. तो मैं इनको बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं, भगवान इनको आगे बढ़ाए. और ये बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है. अगर कोई ये मेरे पास आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट लेकर आते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करना, बैठो. तो जब ये बैठते हैं तो मैं 2 मिनट में सब डिस्कस कर खत्म कर सब. पहले आपने बहुत जल्दी मेरा डिसीजन बहुत क्विक एंड फास्ट है, चाहे वो गलत हो या सही. अब मैं काम की बात ये कहूंगा कि हर आदमी के अंदर जुनून होता है और कोई खूबी होती है. वो खूबी किसी की छिपी रहती है, किसी की उजागर हो जाती है, छप जाती है, किसी की छुपी रहती है. जो छप जाती है वो तो ठीक है, जिनकी छुपी रहती है उनको अपनी खूबी को निहारना चाहिए और उसको 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 देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या खूबी, चूंकि हर आदमी के अंदर खूबी है. उसकी खूबी को देखने के लिए उसके दोस्त, उसके माता पिता, उसके टीचर और सब मिलकर उसकी खूबी को बता सकते हैं और उसको उजागर कर सकते हैं. उसमें वो मेहनत करके, जैसे विवेकानंद ने कहा है कि जो सोच लो उसके खून में दौड़ करना चाहिए, तो हर तरह उसकी बात सोचो. दिन में भी ख्वाब देखो, रात में भी ख्वाब देखो, जब तक काम पूरा ना हो जाए बैठो नहीं. जब तक आदमी के अंदर जुनून नहीं होता कोई सक्सेस नहीं मिलती. अब एक थे 2004 में हमारा बंटवारा हुआ, हमें 40% मिला और दूसरे पार्टनर को 60% मिला. तो खैर हमें मिल गया, हम तसल्ली होगी, सब लोग आए तुमने क्या क्या बनने. तो उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब बहुत खर्च करते हैं और डॉक्टर साहब 2 साल के बाद कटोरा हाथ लूंगा भीख मांगेंगे. मैंने कहा कि भीख मांग सकता हूं लेकिन तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा. वो जनून, वो आज मेरे दिल में धधक रही है. वो मेरी इज्जत, मेरा कुछ अपमान हुआ था, वो आज मेरे दिल में धधक रहा है और मैं उसी के धधक से भाग रहा हूं. मेरी 82 ईयर्स ओल्ड है, ओल्ड उम्र है. मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, 3 घंटे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 2 घंटे पूजा करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर मरीज देखता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल का सेक्रेटरी वहाँ भी जाता हूँ, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद यहाँ आता हूँ. और जब यहाँ आता हूँ
यहाँ से फिर बैठ जाता हूँ, मरीज देखता हूँ। लेकिन जब मरीज देखता हूँ तो मेरे को ये नहीं कह सकते कि आप थके हुए हैं। बोले डॉक्टर साहब आप तो ऐसे जैसे हो गए थे। लेकिन हाँ बिल्कुल, तो ये अंदर आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं है तब तक कोई काम नहीं हो सकता। जुनून पैदा करो, अच्छाई पैदा करो। Part of this journey, the logo that you see here actually is a result of 6 months of effort. We did lot of brainstorming, lot of iterations, lot of changes, and the constant feedback by sir and ma'am, right? So after many revisions, we came up with this idea. And anything and everything that you see here in this stage has done internally in our idea lab and in the recording room. So certainly we need to applause for all, a huge round of applause for all the people there in the idea lab and there in the the efforts that the students they gave in their jingle. So can we have a huge round of applause for all?